विपुल की मां को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 दिन तक रिमांड में रखने के लिए पुलिस को परमिशन मिल चुकी है। अब तक उन्होंने पुलिस के एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। कानून और पुलिस को वो बिल्कुल भी इज्जत नहीं दे रही है। जब लोमड़ी जंगल पर राज करती है तो कोई जानवर नहीं बचता, सब शिकार हो जाते हैं, उनके पंख भी नहीं बचते। यहाँ पर जीना है तो सबसे पहले मारना पड़ेगा, और अगर नहीं मार पाए तो मरना पड़ेगा। देवकी जी को आज कोर्ट में लेकर जा रहे हैं, आज उनका जजमेंट डे है। हो सकता है कि आज वो कातिल और उसके पीछे के आरोपियों के बारे में कुछ कहें। क्या क्या राज खुलता है, सभी को इंतजार है। थांती टीवी से कैमरामैन राजा माधवीन और जय नगर दास। एक अच्छे इंसान ने नेताजी को गोली मारकर मार दिया। अपने देश का सर शर्म से झुक गया है। नौजवान लोग अपने राह से भटककर पैसे के लिए कत्ल करने लग गए। इसे तो फांसी दे देनी चाहिए। अगर इसे फांसी नहीं दी गई, तो इसे मारकर मैं जेल चला जाऊंगा। आम खा कोर्ट का वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब रंगे हाथ उसे पकड़ लिया तो उसी बंदूक से उसे वहीं खत्म कर देना चाहिए था। क्या तेरा? विपुल। तेरे शरीर पे कोई निशान है तो बता। ये है सर, और एक ये है सर। जुर्म क्या है तेरा? खून किया है। Thank you.
तेरी कोई आखिरी इच्छा है क्या? मुझे मेरी माँ की साड़ी चाहिए। प्लान करके मर्डर किया गया है। इनके बेटे को जो सजा मिली है वही सजा इनको भी दी जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ। That's all, Your Honor. आपकी खामोशी आपको गुनहगार साबित करती है। मैं अपना फैसला 2 घंटे बाद सुनाऊंगा। देश के आजाद होने के बाद हमारे कानून में किसी औरत को फांसी नहीं दी गई। जघन्य से जघन्य अपराध के लिए ही औरतों को फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आज जिस तरह का केस आया है ये देश का एक बहुत बड़ा केस है।
इसलिए ज्यूरी सिस्टम मानते हुए इसका मैं फैसला सुनाने वाला हूँ। 1952 तक हमारे देश में ऐसा कानून था। जजमेंट के हिसाब से ये ट्रायल अभी शुरू होने वाला है। इस ट्रायल में ये लोग ही वकील हैं और यही जज हैं। यहाँ तक कि ये लोग ही कानून हैं। ये 12 लोग बैठकर एक दूसरे के साथ दलीलें करके सच क्या है और झूठ क्या है, यही नहीं सच के अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी मिलावट है, इसका पता लगाएंगे। ये बेस्ट ट्रायल होना चाहिए। इन लोगों के पास 2 घंटे हैं। ऐसा फैसला जिसमें ये 12 लोग सहमत हो। सिद्धार्थ फिलोसोफर, गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण की। इनका दिमाग इतना तेज है जिससे प्रभावित होकर गुरुकुल ने ही इन्हें गोद ले लिया। ये दुनिया भर के नेताओं की बायोग्राफी जानते हैं। सत्य शोधन इनकी मन पसंद पुस्तक है। जनरल दीनदयाल, इनके मार्गदर्शन में ही देश ने करगिल का युद्ध जीता था। इनकी ड्रेसिंग सेंस काबिले तारीफ है। इनके गुस्सैल रवैये का कोई जवाब नहीं। कैदी और गरीबों से बहुत नफरत करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा गुनाह है इंसानियत दिखाकर माफ कर देना। डॉक्टर बेनी क्विक, हार्ट स्पेशलिस्ट। इनकी नस शरीर दिमाग में हास्य भरा हुआ है। देश में रहने वाले सभी लोगों का ये मजाक उड़ाते हैं। आज तक इनका मजाक कोई नहीं उड़ा पाया, इतने दमदार इंसान है ये। जानवी पायलट, 2 बार जहाज दुर्घटना को अपनी समझ बूझ से रोक दिया। बहुत शांत दिमाग रखने वाली महिला है। सामने वाले इंसान के दिमाग को समझने वाली महिला है। हीरो मारन, आईपीएस। आईएएस का एग्जाम पास करने के बावजूद इन्होंने आईपीएस चुना। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, अभी तक 99 एनकाउंटर कर चुके हैं। सिर्फ एक ही एनकाउंटर की वजह से इनको अभी तक अवार्ड नहीं मिला है। इंतजार जारी है। नारायणी मल्टी मिलियनेयर, भले ही इनकी सारी दौलत चली जाए लेकिन ये आधे घंटे भी भूखी नहीं रह पाती। एक पल की भूख भी इनको बर्दाश्त नहीं होती। आज की मीटिंग में ये मैडम भूखी आई है। मणिवर्धन, नाटक राइटर और एक्टर। थोड़े डरपोक स्वभाव के हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के बुलावे के बावजूद फिल्म में एक्टिंग करने से इनकार कर देते हैं। रोज आईएएस, ट्रांसजेंडर होने के बावजूद ये खुद पर गर्व करती है। लोगों को 30 तरह के अधिकार दिलाने के लिए लड़ रही है। रजनीश एक पंडित है, टूरिस्ट बनकर इंडिया आए थे। सब लोग गिल्टी नॉट गिल्टी सोचकर वोट करते हैं लेकिन ये गुनहगार और बेगुनाह सोचकर वोट करते हैं। एक सच्चे पंडित। गोपी कृष्ण साइकियाट्रिस्ट, ये लिटरेचर में साइकोलॉजी घुसाने वाले हैं। हम सबको बहुत पसीना आता है लेकिन इन्हें नहीं आता, इतने शांत दिमाग हैं। नमो नारायण, चैरिटी के कमिश्नर हैं। झोपड़पट्टी में रहते हैं, बहुत से मंत्रों के ज्ञाता हैं। पैसा देकर भगवान से प्रार्थना करने वालों से इनको नफरत है। चिन्मयी, खुद पर हमेशा गर्व करने वाली, इंडियन मिलिट्री को फायरवॉल देने वाली। इन 12 लोगों में एक समानता है, ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अटेंशन प्लीज। आप सबको पता है हमारा फैसला ही जज का फैसला होने वाला है। उसके बाद कोई अपील नहीं होगी, इसलिए हर व्यक्ति अपना अपना विचार यहाँ पे रख सकता है। कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन जो टाइम दिया गया है उसके अंदर इस वक्त हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर वोट करने वाले हैं। फैसला तो सबको पता ही है, फिर बातें करके अपना टाइम क्यों बर्बाद करना। वोट करके ही फैसला करते हैं ना, इससे हम जल्दी फ्री हो जाएंगे और घर जाकर खाना खा पाएंगे। सही तो बोल रही हूँ ना सर? सही नहीं बोल रही हो, अपने जरूरत के हिसाब से बोल रही हो। क्यों, मैंने सही कहा ना? क्या सर? ओके, वोट करने के लिए रेडी है?
या गिल्टी को वोट करने वाले वोट कर सकते हैं। सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन पीपल। हेलो हेलो हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मीटिंग के कुछ रूल्स हैं। क्या है? टेल मी। कोई नॉट गिल्टी वोट करने वाला है क्या? नॉट गिल्टी। क्या है ये? ऐसे बड़े मामले बच्चों से सॉल्व थोड़े ना होते हैं। हर जगह ऐसे नमूने मिल ही जाते हैं। एक केस अलग होता है, एक वोट अलग होता है। एक वोट से सरकार गिर भी सकती है और एक वोट से सरकार बन भी सकती है। इस सब की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजोरिटी चाहिए। बोलते समय अनेकता में एकता और करते समय एकता में अंतर। रूल्स के हिसाब से चलना है। फैसला ऐसा हो जिससे सभी लोग सहमत हो। सर सुनिए ना सर, आराम से आप गिल्टी बोल सकते थे ना सर, फिर क्या सोचकर आपने नॉट गिल्टी बोला सर? ओहो, बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि वो मैडम इनोसेंट है? मुझे नहीं पता है मैं विश्वास कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। इन्होंने गलती से बोल दिया। तो फिर आपने नॉट गिल्टी को वोट क्यों किया? क्योंकि 11 उसके साथ नहीं है लेकिन एक है। What do you mean? खिलाफ बोलने का मतलब क्या? उस मां को दंड देने के खिलाफ मैं हूँ। मैं भी गिल्टी को वोट करता तो 12 लोग हो जाते, फिर क्या होता? फैसला सुनाकर आप लोग अपने घर चले जाते। हमें जज साहब ने ऐसे ही फैसले लेने के लिए बोला है ना? हाँ तो ले रहे हैं ना, देख रहे हैं बहुत तेजी से। तेजी से कोर्ट में बैठकर हमने पूरा ट्रायल सुना। 90 दिन, पूरे 3 महीने लग गए इस केस में। ये तेजी लग रही है क्या? सब लोग हाथ उठा देंगे तो बस हो गया। अगर मैंने भी हाथ उठाया तो वो मां फांसी पे लटक जाएगी। उसके बाद क्या होगा? वो तो दुनिया छोड़ चुकी होगी ना, हमेशा के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा है कुछ? Never do this. मेरे एक वोट से उनकी जान चली जाएगी। हाँ तो ठीक है, जाती है तो जाने दो, जाने दो जान। आखिर उसे क्यों जिंदा रहना है? फिर से किसी भूख हड़ताल में बैठे हुए नेता को गोली मारने के लिए? एक खूनी को माफ करना 2 कत्ल करने के बराबर है, ये आपको पता नहीं है क्या? मैं पूरे विश्वास से बोल रहा हूँ सर, मैं डर रहा हूँ। सपोज सब लोगों ने जो फैसला किया कल वो गलत हो गया तो? सपोज ड्राइवर सोचे कि एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? सपोज इलेक्ट्रीशियन को करंट लग जाएगा तो फिर वो लाइट का काम कैसे करेगा? सपोज ये बिल्डिंग टूटकर गिर जाएगी तो यहाँ पे बैठ के बात कैसे करेंगे? सपोज सपोज करोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई फैसला नहीं कर सकते। और क्यों सपोज की जिंदगी जी रहे हो? एक दिन मर जाओगे ना, इससे फैसला करो। What a shot! ना आपने पीछे देखा और ना आपका निशाना चूका, कमाल है। शौक पर शौक लग रहे हैं सर, और आप अचीवमेंट पर अचीवमेंट पा रहे हैं। आप जिस जमाने में जी रहे हैं उस जमाने में हम लोग भी हैं, ये सोचकर हम लोगों को गर्व हो रहा है डॉक्टर बिनी। सब लोग मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, गिराएंगे तो नहीं ना? All right, fine. हम फिर से एक बार वोट करते हैं। मैंने पहले ही नॉट गिल्टी करके वोट किया था, इस बार मैं भी आपकी तरह गिल्टी को वोट करूंगा और उसके बाद जो होगा उस मां की तकदीर। एटलीस्ट उसके लिए मैंने कोशिश तो की, मुझे ये सेटिस्फेक्शन होगा। ये तो बहुत अच्छा है, तुम सब की तरह गिल्टी को वोट करोगे, उसके बाद खुद को महान समझोगे, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है, बस हो गया। इस बार का वोट हम सीक्रेटली देंगे, माई रिक्वेस्ट। क्यों? फांसी लग रही थी तब ये सवाल क्यों नहीं किया? उस समय तो आप एकदम शांत थे। और अब पेन और पेपर का इस्तेमाल करके वोट एक ग्लास में डालना है तो आप सोच रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा? यहाँ पर सबको सोचने और समझने का मौका मिलेगा। उनके लिए मेजोरिटी से ज्यादा मेंटेलिटी का वोट मायने रखता है। सीक्रेटली करो या ओपनली करो, रिजल्ट तो वही रहेगा ना? नो प्रॉब्लम, गो अहेड। रही है
इस खेल में हार जाएगी, जीत जाएगी। शर्त लगी? शर्त लगी। तो पैसा निकाल। देख वो जीत गई खेल में, चल निकाल पैसे। इस खेल में तो जीत गई, लेकिन जिंदगी में हारने वाली है, देखना इसका फांसी लगेगी। लगी शर्त? लगाते हैं। 1000 रुपए की? 1000 की शर्त लगी। सर आप कॉपी क्यों कर रहे हैं? सर आपको पता है ना ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मैं कॉपी कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्यों आप अपने ही खिलाफ जा रही हैं? सर सर सॉरी सर, ये लीजिए कॉपी कर लीजिए। अब इलेक्शन रूल अलाउ कर रहा है क्या? अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप सर? ऑलरेडी मैं कॉपी कर चुका हूँ। क्या हुआ सर, रो क्यों रहे हैं? मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी वोटिंग नहीं की है, ये मेरा पहला मौका है। 6 बार मेरी जगह पर किसी और ने वोटिंग की है। 6 बार? 6 बार ही नहीं मैडम, 30 साल से मुझे वोटिंग नहीं करने दी गई है। मैं इंडियन सिटीजन हूँ ही नहीं, लेकिन आज मैंने वोटिंग की है। आई एम इंडियन सिटीजन। मुझे इंडियन सिटीजन बनाने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, वेलकम, थैंक यू। डालो सर, जल्दी डालो। ये लो आगे दो। पहला गिल्टी, दूसरा गिल्टी, तीसरा गिल्टी, चौथा गिल्टी, पांचवा गिल्टी, छठवा गिल्टी, सातवा गिल्टी, आठवा गिल्टी, नौवा गिल्टी, 10 गिल्टी, 1 नॉट गिल्टी। एक नहीं सर, 2। आप वहां पर कब पहुंच गए? दस गिल्टी, 2 नॉट गिल्टी। ऐसा होने का चांस ही नहीं है, लाओ मैं चेक करता हूँ। जरूरत नहीं है, मैंने ही नॉट गिल्टी लिख के वोट किया था। अभी 5 मिनट पहले गिल्टी करके वोट किया, अब नॉट गिल्टी का किया? हाँ किया। इन शख्स से जब आप लोगों ने विश्वास करने को पूछा तो इन्होंने कहा पता नहीं। नॉट गिल्टी वोट करने के बाद भी एक सच था, उस सच का एक स्तंभ बनाया, और ये वेट भी कर रहे थे कि आप लोगों में से कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सब कुछ जानने के बाद भी मैंने वोट किया। उस सच को मेरा फर्स्ट सल्यूट, उनके फैसले के लिए मेरा फर्स्ट सल्यूट। और यही बात मुझे भी सही लगी, और जब मुझे सब कुछ सही लगा तो मैंने भी नॉट गिल्टी करके वोट किया। हम 10 लोगों के दिमाग में जो नहीं आया वो तुम्हारे दिमाग में आ गया। हाँ सर, इस मामले में आप सब लोगों से बेटर मैंने सोचा। आप लोग इसके लिए क्यों फिक्र कर रहे हैं? आप लोग तो 10 लोग हैं, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। फिक्र तो हमें करनी चाहिए सर। फिर भी मैं फिक्र करता हूँ, बहुत फिक्र करता हूँ। इनकी फिक्र को देखकर लगता है कि हम लोग भी सीरियस हो जाएंगे। एक लड़की इस केस की दिशा बदलना चाहती है, तुम्हें पसंद आई तो उसे इम्प्रेस करो, क्यों बल्कि प्रपोज भी करो, लेकिन ये सब बाहर करो, किसी के प्रभाव में आके नतीजा मत बदलो। वेल डन, एक खूबसूरत लड़की को अपने पक्ष में लेने के लिए। पहले बोल रहे थे कि एक जान को कैसे बचाना है, अब उसको सिखाओ कि एक जान को कैसे जन्म देना है। हम लोग भी सुन के देख के सीख लेंगे ना। अरे अरे रे 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 अरे बाप रे,
भगवान ने जुबान दी है तो कुछ भी बोलेगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ जानवी। अरे रुको, मत कैसे हुई? मेरे बारे में इस तरह की बात करने की? हाँ, छोड़ूंगी नहीं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। रुक जाओ जानवी, रुक जाओ, गिर जाओगी। जानवी प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। जानवी रुक जाओ, मेरी बात सुनो। जानवी प्लीज रुक जाओ, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मुझे संभालने के बजाय तुम्हें भी गुस्सा करना चाहिए। गुस्सा करेंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, यही उनकी प्लानिंग है। किसी और के लिए जब भी हम बात करते हैं तो हमारा अपमानित होना लाजमी है। सर, बड़े और इज्जतदार लोग कभी किसी की बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, मैं टॉपिक पे आता हूं। टॉपिक छोड़ो, सीधे पॉइंट पे आओ। मेरा पॉइंट ये है कि उस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मुश्किल में जी है। 6 साल की उम्र से ही उसने काम शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, 12 साल में वो माँ बन गई और 13 साल में विधवा हो गई। 13 साल की उम्र मतलब खेलने कूदने की उम्र। उसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। जिस घर में वो रहती थी उस घर का बंटवारा हो गया, उसका घर तोड़ दिया गया, उसने घर खो दिया। रहने के लिए जगह नहीं, जीने के लिए कोई रास्ता नहीं, हर तरफ से मजबूर। फिर वो अपने बच्चे को लेकर शहर में आ गई। बच्चे को पालने के लिए उसने मजदूरी की। 45 सालों में उससे कोई गुनाह नहीं हुआ, वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी, और ईमानदारी उसकी सांसें हैं, इसीलिए मैं विश्वास करता हूँ। आप विश्वास कीजिए, लेकिन हमें विश्वास कराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उनके बारे में तुमसे ज्यादा मुझे पता है। मैं पूरी जिंदगी उनके साथ रहा हूँ। उन पर और उनके शब्दों पर कभी विश्वास नहीं कर सकते, वो सब जन्म से ही झूठ बोलने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़ा बेवकूफ ही आपकी बात पर विश्वास कर सकता है? और हाँ, कहते हैं अमीर लोग हमेशा सच्चे होते हैं। सब कुछ रिकॉर्ड है, चाहो तो जेल में जाके देख लो, 90% सिर्फ गरीब लोग ही होते हैं। आप गलत बोल रहे हैं सर, जेल में रहने वाले सभी गरीब हैं। क्यों सर, अमीर लोग बच जाते हैं और गरीब लोग बेचारे जेल में सड़ते हैं। आपके ये कानून, आपके ये नियम, शर्तें, जेल, फांसी, सब कुछ गरीबों के लिए। हर एक सजा गरीबों के लिए बनी है सर। खाना, टीवी, बल्कि सोना भी मुफ्त मिल जाता है, लेकिन न्याय जब पैसा होता है तब मिलता है। मैं अपना वोट चेंज करता हूं, नॉट गिल्टी। क्यों? क्योंकि वो वकील। वकील को क्या हुआ? पूरे ट्रायल में वो वकील सिर्फ एक बार ऑब्जेक्शन बोला, पर किया कुछ नहीं। उस मां के लिए वो वकील लड़ ही नहीं रहा था। करेक्ट है, लड़ने के लिए कोई पॉइंट ही नहीं था। इसीलिए क्यों पॉइंट नहीं था? क्योंकि उस माँ के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उस वकील को हारने की कोई टेंशन नहीं थी, और ना ही उस माँ को बचाने के लिए कोई मंशा। हमें कमजोर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, यही न्याय उचित होगा। बाकी की छोड़ो, मैं तो सपोर्ट करूंगा ही। मैं सपोर्ट करता हूँ और मैं नॉट गिल्टी की तरफ हूँ। मी टू, मेरा भी सपोर्ट है। मेरे लिए मां नॉट गिल्टी। एक के बदलने से दूसरी टेबल पर चढ़कर तांडव करने लगी। अब दो लोग बदल गए तो आज यहाँ पर मिलिट्री परेड होगी। अरे नारायण, अरे उसे क्यों बुला रही हो? अरे मैं उसे नहीं, भगवान को याद कर रही हूँ। ऊपर भी नारायण है क्या? क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे? जो दिमाग में आ रहा है सब बोले जा रहे हैं। जो वो चाहता है वही तुम लोग कर रहे हो। इस लड़की को वो लड़का पसंद है इसलिए इसने अपना वोट बदल दिया, और ये साहब वकील पसंद नहीं है इसलिए अपना वोट बदल रहे हैं। और ये वो क्या है कि ए, तुम बैठ जाओ। नारायण, आप सब लोगों को कहानी पसंद है ना, तो ये साहब जो कहानी सुनाएंगे आप लोग बैठ के सुनते रहना। मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। जो हुआ वो कहानी नहीं, जो होने वाला है वो कहानी सुनाता हूँ। हेलो,
यहाँ पर आओ। मैं? अरे आओ ना भाई। सर वो व्हीलचेयर है सर। अरे है तो चेयर ही ना, आओ बैठो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, आंखें बंद करके जो बोल रहा हूँ उसे इमेजिन करो। ये मेरे लिए बहुत इजी है सर। सोचो कि तुम्हें घर पहुँचने में देर हो। मैं हमेशा घर पर लेट ही जाता हूँ सर। शट अप। तुमने अपने घर के दरवाजे पे गाड़ी पार्क की और देखा कि सारी लाइटें बंद है। तुम्हें लगा पावर कट है, पर पलट के देखा तो पड़ोस की लाइट जल रही थी। ओके। अक्सर घर आने के बाद तुम लाइट बंद करते हो, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। यही सोचकर तुमने सीढ़ियां चढ़ी और जब अपने घर की बेल बजाई तो बेल नहीं बजी। तभी तुम्हें लगा कि जरूर कुछ गलत है। फिर तुमने दरवाजे पे नॉक किया लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उसके बाद तुमने अपनी वाइफ का नाम पुकारा पर कोई जवाब नहीं। ये सब देख के तुम्हें टेंशन होने लगी। फिर तुम तैश में आके दरवाजे पे लात मारने लगे, फिर भी कोई आवाज नहीं। उसके बाद तुम्हें याद आया कि तुम्हारे पास एक और चाबी है। फिर तुमने चाबी निकाली और दरवाजे को खोला। जहां भी देख रहे हो अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। जब तुमने मोबाइल की लाइट ऑन की और देखा तो तुम्हें अपनी वाइफ और बच्चे रस्सी में बंधे हुए नजर आए। नहीं नहीं, बिजली की रफ्तार से तुम्हारे सर पे किसी हथियार से वार किया गया। तुम अधमरे होके गिर गए और तुमने देखा कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे वाइफ और बच्चे को चाकू से काट रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पैसे और जेवर के लिए। अब बोलो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। अच्छे इंसानों, सच्चाई बता दी, नोट कर लो। सर आपको पानी चाहिए? सॉरी, 2 मिनट्स। ये सबका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। डाइवर्ट होगा। राइटर हूं ना, इसीलिए थोड़ा पर्सनल सोचने की वजह से ज्यादा टेंशन हो गई है। कहानी सुनाकर ही आपने खत्म कर दिया सर। यू आर वेरी स्मार्ट, लेकिन ये सब ट्रिक मुझे नहीं आती सर। अभी भी मैं कह रहा हूं, मेरा वोट नॉट गिल्टी है। क्यों सर, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? नो, नॉट लाइक दैट। सर एक मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं सर। हाँ? इसके पहले भी हम कहीं मिले हैं क्या? नो। एक साथ बैठ के पी भी है क्या? नो। मैंने कोई जोक मारा है या मजाक कर रहा हूं? मैं जोकर नजर आ रहा हूं। जोकर हूं? नॉट लाइक दैट। मैं कब से बैठा देख रहा हूं, आप हंसे जा रहे हैं। बोलिए ना सर। हाँ प्लीज 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 प्लीज। हमेशा किसी ना किसी बात पर हंसते रहते हो, कहीं भी देखो बस हंसते ही रहते हो। आपकी नजर में सब कुछ मजाक है हा? पढ़े लिखे जो बिना नौकरी के घूम रहे हैं उन पर हंसते हो, 10,000 लोगों की नौकरी चली जाती है उन पर हंसते हो, कत्ल हो जाता है तो हंसते हो, बम ब्लास्ट होता है तो हंसते हो, लोग बाग चैरिटी करते हैं तो हंसते रहते हो, वाइन शॉप जब गवर्नमेंट चलाती है तो हंसते हो। हंसने की लिमिट पार है। एक जाति शरणार्थी के रूप में मिट रही है, उस दिन भी मुस्कुराइए। ऐसे मुस्कुरा मुस्कुरा कर आपका चेहरा चौड़ा हो जाएगा।
आप सब लोग क्यों हंस रहे हो पता है? क्योंकि आप सबको सीरियस रहने से डर लगता है। कसम खा कर कहता हूँ, ये बात एकदम सत्य है। हम लोगों को बदनाम नहीं, खुद को बदनाम करने जैसा है। जितना हंसना चाहते हो हंस लो। चलिए हंसना शुरू कीजिए सर, हंसिए। सर, गिल्टी 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 कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं आप? हाँ, पुलिस की लिखी FIR छोड़िए, लॉयर के पॉइंट्स भी छोड़िए, मीडिया की स्टोरी भी छोड़िए सर। आप बोलिए सर, वन प्रूफ, आपका ओन प्रूफ जो गिल्टी साबित करता हो। अभी तक आपका वोट बेकार का वोट है सर, नकली वोट। आई लाइक यू। कहा हो लेकिन फैसला आपका होना चाहिए। मैं उसी पॉइंट पे आती हूँ, मैं पॉजिटिव ही कहूंगी। मेरे माँ बाप को 4 बेटे होने के बाद भी बेटी की चाहत थी। मेरे माँ बाप ने भगवान से बहुत सी मन्नतें मांगी। मेरा जन्म हुआ तो मैं सबको लड़का लगी। मेरी माँ धोखा खा गई 12 साल की उम्र में लड़की जानने के बाद। मेरी माँ को बहुत ज्यादा बुरा लगा और वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे माँ बाप मुझे नफरत करने लगे, मुझे कहा मैं उनका सगा नहीं हूं। उन्होंने मुझे गोद लिया है और मुझे घर से भगा दिया। उसी रात को सुबह होने के पहले मर जाना चाहती थी। हिम्मत करके मैं इलेक्ट्रिक ट्रेन पे चढ़ी, पर कूदने से मुझे डर लग रहा था, लेकिन मरने से नहीं। लोगों ने मुझे पागल समझ लिया। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ से मेरी ओर इशारा करके पूछता है कि क्या ये पागल है? उसकी माँ ने जो कहा वो मैं सुनने के बाद सहन नहीं कर पाई। वो दर्द में है इसीलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है, और उन्होंने मुझे गोद ले लिया और फिर उन्होंने मुझे पाला पोसा, कलेक्टर बनाया। तुम्हारी कहानी खत्म हो गई क्या? नहीं सर, अभी बाकी है। उस दिन एक माँ ने एक बेटी की मजबूरी को समझा, तो आज एक बेटी भी एक माँ की मजबूरी समझ रही है। नोट कर लीजिए सर, वो माँ Not guilty. आप भी गिल्टी हैं। शुरू कीजिए। पहले मैं, फिर ये, और अब ये है क्या? सभी को भ्रमित करने वालों में से आप ही नंबर वन हैं। एक फील्ड में जीतने के बाद हर फील्ड में जीत गए ऐसा मत सोचिए। इसी तरीके से सभी यूनिट के हेड बन जाएंगे क्या? हाँ, आप ऐसा ही करके आर्मी में ऑफिसर बने हैं क्या? इसी तरह आपने वॉर भी जीता था क्या? सर, कुछ भी पर्सनली नहीं लेना चाहिए। किसी को भी पर्सनल मानकर छूना भी नहीं चाहिए। समझ गए ना सर? टेक केयर। बहुत गुस्सा आ रहा है सर। Why this कोलावरी? उसे देखकर मेरी जान निकल रही है, वो नीली आंख वाली। ओ, लड़की की बात कर रही हो? हाँ वही, भूखकर कहीं। तुम्हें भी चाहिए क्या दूसरा मर्डर? हाँ सर, बैग के अंदर से जूस की बोतल निकालकर बार बार मुझे देखकर पी रही है ना। मुझे भूख सहन नहीं होती ना सर, और जल्दी जल्दी में सुबह ब्रेकफास्ट भी नहीं किया सर। एक बार अगर ना खाऊं ना सर तो 100 बार की भूख लग जाती है। सब लोग पंच डायलॉग मारो, लेकिन बिना पंचर किए हुए।
हमें जो मिलेगा वो किसी को नहीं मिलना चाहिए सर। हाँ। इसमें मुझे क्यों शामिल कर रही हो? मैं तो नॉर्मल ही बोल रही हूँ सर। अच्छी सोच है, ये बात चार लोग सीख गए ना देश की तरक्की होगी। चार लोगों का भला होता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है सर, कुछ भी गलत नहीं है। जो गुनाह करने वाले लोग होते हैं वो कहावतें ही सुनाते हैं। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, ओ माँ गुनेगार नहीं है, क्योंकि इंसानों के बीच में एकता नहीं। पागल अगर मेल नहीं बनाएंगे तो पानी नहीं पहुंचेगा क्या? आसमान से जब बारिश होती है तो जमीन पे उगे सभी पेड़ पौधों को पानी मिलता है, फसलों को पानी मिलता है। क्या प्रकृति को इंसान चलाता है? जो लोग सच हैं, मैं हमेशा उनकी मदद के लिए खड़ा रहता हूँ, झूठ के लिए नहीं। ये शरीर और जान कुदरत ने दी है, यहाँ पर सबका काम है प्यार बांटना। आप सभी लोगों ने अभी इनकी स्पीच सुनकर ताली बजाई, लेकिन मैंने आपकी स्पीच में एक भी इंग्लिश शब्द नहीं सुना, इसीलिए ताली बजाई। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान के लोग हमारी हिंदी भाषा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। आप एक अंग्रेज होकर हिंदी बोल रहे हैं, आप तो हिंदुस्तानी हो गए। आपने हमारी हिंदी भाषा का गौरव बढ़ाया है। मैंने तो बस अपनी राय रखी है। आज का सबसे हाइलाइटेड टॉपिक है देवकी की जिंदगी के लिए लिया जाने वाला फैसला। जज की बनाई टीम के बीच में बहस चल रही है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, हम एक बार और क्लियर करेंगे कि कौन किस साइड में है। वापस वोट करेंगे, एक लाइन से वोट करेंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही। आप शुरू करें। गिल्टी, नॉट गिल्टी, 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 नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, गिल्टी, गिल्टी। गिल्टी 6, नॉट गिल्टी मतलब 6 6 इक्वल स्ट्रेंथ। मैं कबूल करती हूं कि उस खून में मैं भी शामिल थी। एक और प्रूफ मिल गया ना, या कुछ और चाहिए? ये ब्रेक नहीं है, एंड है। सी यू गाइस। सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज, प्लीज। तुम चाहे मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा लो या मोहलत मांग लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सबने समझाया पर तुम नहीं समझे। अब तो उस माँ ने ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा? कोई भी बोलेगा मैं यकीन करूंगा, लेकिन वो सच बोले। तुम घिसे हुए रिकॉर्ड हो, एक ही बात को बार 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 बार। आई एम नॉट फॉर इट।
Oh gosh. मैंने अनजाने में पास नहीं किया, जानबूझकर पास किया है। आई एम बैक। एक छोटा सा फ्लैशबैक। मेरे जन्म से पहले ही मुझे मार दिए होते, लेकिन मेरी माँ ने मेरी जान बचाई उस डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा था कि इस बच्चे के दिल में छेद है, जन्म लेने के बाद ही ये मर जाएगा। लेकिन मेरी माँ ने डॉक्टर पर भरोसा नहीं किया। उसने भगवान को डॉक्टर माना और उनसे मन्नत मांगी कि मुझे 100 साल तक जीना है और मैं जिंदा हूँ। भले ही मुझ में बीमारी है, लेकिन मैं जिंदा हूँ। मुझे जिंदा रहने के लिए एक इंजेक्शन लेना पड़ता है। 3 टाइम गोलियां खाता हूँ और आधी जिंदगी जी चुका हूँ, बाकी जिंदगी भी जी लूंगा। मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। उसके बाद भी मैंने हजारों हार्ट पेशेंट को जिंदगियां दी हैं और मैं ऑल इंडिया का बेस्ट हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेनी। आप लोग तो अपनी लाइफ में सक्सेस हैं, मेरी लाइफ ही मेरी सफलता है, इसीलिए आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। सच मतलब क्या है सर? विश्वास ही है ना? मुझे मेरी माँ पर विश्वास है। आई एम नॉट गिल्टी। मैं सबके सामने अपना वोट चेंज करता हूँ। छोटे भाई अब स्टार्ट करो। ऑलरेडी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। कोई तो बोले ये किसको हम पुकारे, कोई तो कह दे ये किसके हम सहारे। मेरा कोई ना किसको बोलूं, दिल मेरे तो न रो। ऐसे है हम कोई ना मेरा साथ, मेरा कोई ना दे। क्या हम करें, कैसे है हम कोई तो पूछे। सुन मेरे मन बहते आंसू, कोई ना पूछे। तो है मेरी कोई सुनेगा ना। विपुल का एक ही केस है, इसलिए मुझे तुरंत विपुल की सारी डिटेल्स चाहिए। बहुत रिस्क ले रहे हैं आप। सेफ्टी की बुनियाद ही रिस्क होती है। जाके ले आओ। हमने जूरी को फैसला करने की जिम्मेदारी दी है। ऐसे में जूरी ने किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए विपुल का केस और एविडेंस मांगा है, तो हमें सब कुछ देना पड़ेगा। I will answer to everything. It is my responsibility.
पेट को गीला करके भूख को रोक रही हो, लेकिन भूख नहीं रुक पाएगी। सर, आपको कैसे पता चला? सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ सबको पता है। अरे रे रे रे, लोग भूख हड़ताल कैसे करते समझ में नहीं आता। खाना खाकर, खाना खाने के बाद सच में हर भूख हड़ताल के स्टेज के पीछे एक मोबाइल होटल होता है। पहले तो सरकार में शामिल थी, अब अपोजिशन की तरह जा रही हो। ये मेरी फेवरेट ड्रेस है, मेरी यूनिफॉर्म। हर मुश्किल घड़ी में मैंने इसी ड्रेस में अपनी ड्यूटी की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये यूनिफॉर्म ही मेरा आत्मविश्वास है। यूनिफॉर्म के साथ बैठने की परमिशन दीजिए, तभी मैं किसी की जान का फैसला ले पाऊंगी। सो मैं केयरफुल रहूंगी। अब यूनिफॉर्म में आ गई ना, अब फ्लाइट ओवरटेक करो। ओ, ये हाउसकीपर है क्या? अच्छे से क्लीन करने के लिए बोलो, यहाँ भीड़ ज्यादा है। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी। ये कोई पाप नहीं है सर। ओहो, ओ, पूरा मुंह डाल के ही खाओगी क्या? नारायण, सॉरी 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 सॉरी, आप सबके सामने अकेले खाना खा लिया, पर कोई बात नहीं, मेरा पेट नहीं दुखेगा। हाँ, हमको भी पता है सर। हाल ही में एक मैगजीन में पढ़ा था सर, गीले चावल में ना विटामिन ई बहुत होता है। सिर्फ इतना काफी है कि फिर से खाना पड़ेगा। जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार खाऊंगी सर। पानी वाले चावल टेस्टी होते हैं सर। सर, पानी वाले चावल खाने में एक इक्विलिटी होती है सर। अब पेट भर गया ना, आत्मा तृप्त हो गई होगी, अब दिमाग चल रहा है। सुनो, ऊंचाई को काट कर ढलान में डालोगी ना तो इक्विलिटी होगी, और ढलान को काट कर ऊंचाई पर डालोगी तो गड्ढा बनेगा। अगर अमीर लोग पैसे नहीं देंगे तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन एक अमीर आदमी भिखारियों से जबरदस्ती पैसे छीने तो बहुत गलत है। पानी वाला चावल सस्ता होकर भी गरीबों को नसीब नहीं होता। अरे रे रे रे। सर, क्या है सर? वो औरत पैसे लिए भी नहीं जा रही है सर। इसीलिए, क्योंकि ये गरीब है। विपुल का केस आ गया है, अब कुछ तूफानी होने वाला है। एक मिनट, आप मेरे साथ आइए। क्या चल रहा है यहाँ? फोटो दिखाएगा, उसमें जो भी है सच मान लिया जाएगा है? वो दो बंदूकें सच है क्या? Thank you.
मिस्टर गोपी, आर यू ऑलराइट? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं है? आखिर हो क्या रहा है? यहाँ पे कोई अकेला नहीं है, कुल 12 लोग हैं यहाँ पे। जो भी बात कर दिए सबके सामने कीजिए, रूल्स को फॉलो कीजिए सर। अंदर जो अकेले में बात की है वो सबके सामने बोलिए। चुप क्यों है, बोलिए। बोलिए। सो प्रॉब्लम ये है कि इस आजाद नेशन के प्लान को कोई समझा ही नहीं। इस तरह पॉलिटिकल मर्डर करने वाले आदमियों की सोच क्या होगी कि कोई ऐसी जगह चुनो और वहां खड़े होके मैं उसे शूट करूं और आसानी से भाग जाऊं। लेकिन वो पकड़ा गया। ये सारे एविडेंस उसने खुद क्रिएट किए थे। वो कौन है? द रियल किलर। नेताओं को मारने का ही वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अ परफेक्ट किलर। उसकी फोटो भी लेके ढूंढोगे तो उसे ढूंढ नहीं पाओगे। उसकी एक्टिविटी के हिसाब से ही हम उसे ढूंढ पाएंगे। राजनेताओं और बेईमानों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है और इसीलिए सभी डिपार्टमेंट में घोटालों की आग फैली हुई है। ईमानदारी और काबिलियत जैसे पीछे ही छूट गई हो। घोटालों का विरोध करने के लिए पूरे देश में भूख हड़ताल की घोषणा की गई और इसकी शुरुआत होने से पहले ही घोटालेबाजों ने एक टॉप क्लास का किलर ढूंढा।
भूख हड़ताल की जगह का फैसला होते ही उस किलर ने फ्लाईओवर के आसपास घूमना शुरू कर दिया। टारगेट बनाने के लिए उसने एक ऐसी बिल्डिंग चुनी जिस पे अभी भी काम चल रहा था, जहां से वो टारगेट सेट कर सके। और उसी दिन विपुल को उस बिल्डिंग में कारपेंटर का काम मिला। काम मिलने की खुशी में विपुल माँ को उस बिल्डिंग में लेके गया और खुशी खुशी पूरी बिल्डिंग घुमा रहा था। इसे कहते हैं किस्मत, एक कदम आगे बढ़कर दो कदम पीछे फिसलना, यही है जिंदगी। उसका बेटा बहुत तरक्की कर रहा है ये सोचकर उसकी माँ बहुत खुश थी, पर उस माँ को नहीं पता था कि उसके सर पे बहुत बड़ा खतरा है। शूट करना जितना मुश्किल होता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है शूट करके बच के निकलना। उस बिल्डिंग के बाहर आकर शहर से निकलने के लिए एक ही रास्ते की जरूरत थी। तभी किलर को एक आइडिया, किलर ने विपुल का भेष रखा, एक बुरा इरादा, कुछ भी करा सकता है। एक पल ही लगता है अच्छे इंसान को बुरा बनने में। विपुल पुलिस के हाथों पकड़ा गया, किलर भीड़ से होते हुए बच के निकल गया। जितने डिटेल से तुम बता रहे हो, ऐसा लगता है खून तुमने ही किया है। सिर्फ आपको ही नहीं सर, यहां बैठे हर किसी को यही लग रहा होगा। यही उस किलर की स्ट्रेंथ है, जब भी वो कत्ल करता है हमेशा एक नया चेहरा चुनता है। सर, सच्चाई में हो या फिर कल्पना की दुनिया में, उसका अगला चेहरा कौन सा होगा ये अभी तक किसी को भी नहीं पता, क्योंकि वो खुद क्रिएट करता है। जिस तरह जानवी ने मुझे अभी इमेजिन किया है, उसी तरह पुलिस ने भी विपुल को खूनी समझकर अरेस्ट कर लिया। जिस बंदूक को वहां रखकर विपुल को खूनी प्रूफ किया गया था, उसी बंदूक का प्रयोग करके विपुल बेगुनाह है ये मैं प्रूफ करूंगा। मिलिट्री वाली बंदूक दे रहे हो, यहां सबको गोली मार देंगे तो? शूट करिए सर, शूट करिए सर, कम ऑन सर, यू आर अ मिलिट्री मैन, शूट मी, आई से शूट मी। कोई अगर किसी को शूट करेगा तो गोली तो बाहर आएगी ना सर, इस बंदूक से गोली चली ही नहीं, क्योंकि जिससे खून हुआ था वो बंदूक अलग थी और जिसने मारा वो अलग था। जानवी ये सबको दे दो। Avoiding me wantedly. Whatever. 9, 10, 11. अरे अरे, I'm so sorry. आपको तो देना भूल ही गई। ये लीजिए।
वैसे आपको ये दूं या ना दूं, इसका एक ही मतलब है। बिना काम के सैलरी लेती हो ना? पर यहाँ तो सैलरी है ही नहीं, अब क्या काम करोगी? रिलैक्स, ये प्रोफेशन छोड़कर तुम्हें कोई और प्रोफेशन चुनना चाहिए, वरना इसी प्रोफेशन में कुछ और चूज करना चाहिए। देखो, अगर तुम ये छोड़ दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। सो थिंक, फाइल भूल गई उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू। मुझे अभी हेल्प करनी है, क्या करना चाहिए? मुझे एक वोट और चाहिए। आई नीड माई टैब नाउ, गेट इट। Please pick up my call. I'm also one of the jury among 12 jury in Devki verdict. The statement given by you confirmed that Valen was the criminal. Please tell me whether Devki is accused or innocent. We need your immediate answer in this regard. Thank you. Okay. This is it. मैं त्यागू, superintendent of police. होशियारी से कत्ल करने वाले लोग एक VIP का कत्ल करने के लिए लगभग एक साल से ज्यादा टाइम लेकर उसका प्लान बनाते हैं, लेकिन उसे पता लगाने के लिए हम पुलिस वालों को जो टाइम मिलता है वो सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। उसके बाद एक घंटा भी अगर देर हो जाए तो मीडिया के लोग पीछे पड़ जाते हैं, मिनिस्टर के फोन पे फोन आने शुरू हो जाते हैं और जनता लड़ाई दंगा हड़ताल करके सड़कों पे उतर आती है। ऐसे प्रेशर में हमारा डिपार्टमेंट कैसी भी करके किसी भी व्यक्ति को घेरे में लेने की कोशिश करता है, और इस तरह के हालात में हम पुलिस वालों को जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा शक होता है, भले ही वो मासूम ही क्यों ना हो, हम उसे हिरासत में ले लेते हैं। फिर हमारा रूल होता है कि मुजरिम का शब्द दर शब्द जो भी वो बोलता है हम उसे रिकॉर्ड करते हैं और उससे अपना डेटा तैयार करते हैं। जल्दबाजी में हम जो फैसला लेते हैं वो नॉर्मल लाइफ में पॉसिबल नहीं होता। मंत्री की हत्या का आरोपी विपुल ने जो भी बयान हम लोगों को दिया था, उसने बोला था मैं वहां था, ये सच है, लेकिन जब खून हुआ था उस बात का उसे कुछ भी पता नहीं था। उस वक्त मैं बेहोशी की हालत में था, लेकिन मैंने लिखा कि वो वहां मौजूद था, लेकिन आगे का सच मैंने वहीं पर छोड़ दिया। ये केस एक पूरी तरह पॉलिटिकल मर्डर था, एक सोची समझी साजिश। इसकी वजह से हमारे ऊपर बहुत ही प्रेशर था, प्रेस, मीडिया, लॉयर, जज, सभी लोग उसके मुजरिम होने को सच मान रहे थे और उसी के अनुसार अपना फैसला दे दिया। कुल मिलाकर एक बेगुनाह की जान चली गई। आप सबने आखिर ये कैसे मालूम किया? इसको क्लियर करना बहुत ही जरूरी था। मेरा बेटा बेगुनाह है ये बोलकर उसकी मां गिड़गिड़ाने लगी थी। मुझे लगा कि जो हकीकत है वो बता रही है, लेकिन विपुल की फांसी के बाद उसने अपना बयान पूरी तरह से बदल दिया। कहने लगी कि उसके बेटे ने कत्ल किया है और उसने उसका साथ दिया है, लेकिन मुझे यह रहस्य समझ में नहीं आया। उसके अरेस्ट होने के बाद मैंने इस केस पर और ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया और इस केस की जड़ तक जाने के लिए इसकी और भी तहकीकात अपनी तरफ से करनी मैंने शुरू कर दी थी। मैंने देखा कि जो भी प्रूफ दिए गए थे वो सही नहीं थे, बल्कि उसे होशियारी के साथ बनाया गया था। उसकी माँ के दिल पर जो गुजरी उस दुख में वो भी फांसी पर चढ़ना चाहती है। वो सबसे ये बात बोलने लगी कि उसने पुलिस को जो भी सबूत दिए वो सब के सब नकली थे। उसके बाद खुद को और अपने बेटे को मीडिया के सामने लाकर अपने आप को गुनहगार बताने लगी। वो सब इसलिए कर रही थी ताकि हमें अपनी गलती का एहसास हो। एक बेगुनाह को सजा दिलाने की वजह से हमारी जिंदगी पछतावे में गुजरे। विपुल अपने मरने से पहले अपनी माँ को हर हाल में बचाना चाहता था। उसकी माँ हमेशा मुझे लेटर लिखा करती थी। वो चाहती थी कि मैं उसकी बात को समझूं और उसके बेटे की जान को बचा लूं, लेकिन मैंने कभी भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया।
और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए हमेशा गलत का साथ देता रहा। और यह सच है कि आज उस बात को याद करके मेरी आत्मा पछतावे की आग में जल रही है। आज के दिन इस कमरे के अंदर आप 12 लोग एक साथ बैठे हुए हैं, आपके सामने माँ बेटे की भावनाएं और उनके बारे में सब के सब सबूत मौजूद हैं। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि फैसला सोच समझ कर लें। विपुल की सजा के बाद कानून का तराजू झुक गया है, अब उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी माँ को न्याय दिलाकर इस गुनाह को कम किया जा सकता है। दोनों ही बेगुनाह हैं, इस बात का पता पूरी दुनिया को चल जाएगा। बस यही एक तरीका है उसकी माँ के दिल को शांति देने का। मुझे आज सिर्फ एक बात की तकलीफ है कि मेरी वजह से विपुल को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसे उसकी माँ को लौटाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं प्रायश्चित करता हूं। जो हुआ शायद वही उसकी तकदीर थी, किस्मत में यही लिखा था। जो आंखों से देखा वो झूठ था क्या? जो सुना वो सब झूठ है क्या? सजा मांगने वाले झूठे हैं क्या? जो भी इंक्वायरी हुई सब झूठ है क्या? कुछ भी सच नहीं है क्या? नो, मैं तो वोट करता हूं, एक उस मां के लिए, दूसरा उस लड़के के लिए। दोनों लोग नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी, नॉट गिल्टी। जो मैंने किया उसके लिए सॉरी, और जो तुमने किया उसके लिए थैंक्स। इट्स ओके सर। तो फाइनली हम एक बार और वोट करते हैं। Not guilty. 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 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. मैंने अभी तक वोट नहीं किया है, अब मैं अपना वोट डालता हूं। उसकी मां गिल्टी है। फिर से शुरुआत करेंगे क्या? छह। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा? क्यों सर, भूख नहीं लगी क्या? ठीक है, अगर आप लोग उस लड़के को गिल्टी बोलेंगे तो मैं उसकी मां को नॉट गिल्टी वोट करूंगा। मुझे पता था सर आप किस पॉइंट पे आ रहे हैं। तुम्हें क्या पता है कि मैं किस पॉइंट पर आ रहा हूं, किस पे नहीं? हम मौत चाहने वाली मां के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं सर, बल्कि हमें उसके बेटे को बेगुनाह साबित करना है।
तो भला हम उसका साथ क्यों ना दे सर? किसी एक के लिए हम कानून को झुठला नहीं सकते, और उस मां के लिए राइट टू लीव, किसी को जीने का हक देना कानून के हाथ में होता है, लेकिन जब वो कानून हक नहीं देता तो उसके खिलाफ जाना गलत नहीं है, क्योंकि जीने के लिए हक देने वाला ऊपर वाला होता है। करेक्ट। भगवान बुरे लोगों को मारकर अच्छे लोगों को बचाते हैं, कानून भी यही कर रहा है। कैसे? जनता को मारकर क्या जनता को बचाया जा सकता है? मतलब कि 51 लोगों को बचाने के लिए 49 लोगों को मार देना अच्छा है? सच बताइएगा सर, कानून मारता है या बचाता है? बचाता है, जो मारता है उसे मार। आपका मानना यह है? सो आप सजा पर विश्वास करते हैं, इंसान पर नहीं? अच्छा मजाक करते हो तुम। आप पढ़ाई करते हो नौकरी के लिए, और नौकरी करते हो सैलरी के लिए, लेकिन अगर आप लोग गुनाह करोगे तो उसका दंड नहीं चाहिए क्या? हा? कत्ल करना सजा नहीं है, और सजा देना न्याय नहीं है। एक बात जान लो, जिसका अधिकार नहीं होता उसमें न्याय की शक्ति कम हो जाती है। जिसमें न्याय का अधिकार है वो सर्वाधिकार है। दर्द के बिना सुई कैसे लगाएंगे और मरीज की बीमारी कैसे ठीक करेंगे? किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करना गलत बात है क्या सर? ट्रीटमेंट करना तो सही है, मैं तो कहता हूँ गुनाह करने वाले को पहले की तरह फांसी पे लटका देना चाहिए, तभी क्राइम में गिरावट आएगी। जो लोग वापस नहीं लौट सकते उनकी जान आप किस अधिकार से ले रहे हैं? यहाँ पर बुरे लोगों की नहीं अच्छे लोगों की ज्यादा जाने जाती है। लॉटरी में किसी का भी नाम आ सकता है। फांसी की सजा कानून को पसंद नहीं है। ठीक है, तो हम फांसी नहीं देते, तो फिर गुनाह कैसे खत्म करोगे? खूनी खौफ कैसे खाएंगे? अरे ये गलती मत करो, खून मत करो, ऐसे कानून गिड़गिड़ाएगा क्या? जवाब दो। वो लोग ये बात मानेंगे नहीं, इसीलिए हमने याचिका दी है सर। सर सबके ऊपर रहम करना सीखिए सर, हर अच्छे इंसान का एक अच्छा पास्ट होता है। अगर कानून बनाया गया है तो कुछ ऐसा करिए कि कानून की इज्जत हो। कानून को हम रूल नहीं कर सकते, कानून हम पे रूल करेगा। हम सब के सब कानून के नीचे हैं। न्याय के लिए ये कानून क्या है सर? एक लिखी हुई किताब, या फिर काले कोट वालों की दी सजा, या फिर आंख में पट्टी बांध के खड़ी हुई वो मूर्ति? सभी के लिए एक अधिकार है, और वो अधिकार है राइट टू लीव। मैं उस मां की जगह खड़े होकर कह रहा हूं, कल ऐसा किसी और मां के साथ नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी किसी गरीब के साथ। कभी किसी बेगुनाह को सजा ना मिले, मैं यही चाहता हूं। बाकी आपके हाथ में। एक इंसान को सुधारना ही कानून का आधार है। मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे क्या करना है। अब मैं वोट करता हूं, शी इज नॉट गिल्टी। ये मेरा फाइनल वोट। आहा, यूनानिमस। बहुत बहुत बधाई हो। इन जजेस के बीच जो वाद विवाद हुआ उससे एक तर्क को ध्यान में रखकर असली खूनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह के अजीबोगरीब केस पर इस तरह की टीम बनाना सही साबित हुआ। अब सारी दुनिया जान गई कि मेरा बेटा विपुल बेगुनाह था। मैंने उसकी अच्छी परवरिश की थी। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? विपुल।